हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हमने बेबी का एक जो है बॉबल पैटर्न से कैप बनाना सीखी थी, बहुत इजी तरीके से दो कलर्स में। तो उन्हीं कलर्स को यूज करते हुए अब हम बेबी का उसी पैटर्न से रॉम्पर बनाना सीखेंगे। और मैं आपको ये दो निडल्स पे सिखा रही हूँ क्योंकि सर्कुलर निडल जो है वो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम पहले स्लीव्स बना लेंगे, स्लीव्स बाजू बाजू बनाने के लिए, क्योंकि हमने ये 3 से लेके 6 महीने के बच्चे का बनाना है, 3 to 6 months old। तो उसके लिए हम स्लीव्स में 34 stitches ले रहे हैं, 34 फंदे ले रहे हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों का बॉर्डर बनाया है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये हमारी रॉन्ग साइड है, बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड है। तो यहाँ पे हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। फर्स्ट रो है रॉन्ग साइड पे, और क्योंकि ये हमारे 34 stitches हैं, 34 फंदे हैं, और हमें यहाँ पे 35 फंदे चाहिए पैटर्न के लिए। तो यहाँ हम एक फंदा कहीं पे भी इस रो में बीच में बढ़ा लेंगे, बाकी की पूरी रो हम उल्टी बुनेंगे, पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए 35 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं फर्स्ट रो में। अब सेकेंड रो हम पूरी सीधी बुनेंगे, तो ये सिलाई हम सीधी बुनेंगे। उसके बाद हम एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी, 3 और सिलाइयां जो है वो सीधी उल्टी की बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बॉर्डर के बाद 5 रोज 5 सिलाइयां जो है वो बना ली है। अब यहाँ हम अपना सेकंड कलर यूज करेंगे। देखिए 6th रो है, 6वीं सिलाई है ये। तो हम इसमें 3 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। अब हमने इस फंदे को ड्रॉप कर देना है और इस तरह से 4 सिलाइयां इसकी निकाल लेनी है। देखिए 1 2 3 4, और इस फंदे को यहां से उठाकर सीधा बुन देंगे। ये जो हमने उतारे हैं धागे, इन्हें भी बीच में ले लेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर से हमने जो चौथी हमारी सिलाई है नीचे से, यानी कि जो हमारी सेकेंड रो थी, वहां से हम फंदा उठा के सीधा बुन लेंगे। तो इसके फुल पैटर्न के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने कैप बनाना सिखाया था इसी पैटर्न को यूज करते हुए। तो इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, 6th रो हमने इस तरह से कम्प्लीट कर दी है, ये हमारे बॉबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस रो को हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। 35 फंदे हैं अभी हमारे पास, तो ये हम उल्टी बुन लेंगे सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, 35 फंदे। अब यहाँ पे हमने ये सिलाई सीधी बुननी है, लेकिन क्योंकि हम स्लीव बना रहे हैं तो हमें फंदे बढ़ाने भी हैं, तो हम यहाँ पे दूसरा फंदा जो है उसे दो बार बुनकर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। बाकी की पूरी रो हम सीधी बुनेंगे, सारी सिलाई सीधी बुनेंगे। जो हमारा सेकंड लास्ट फंदा है, यानी ये वाला फंदा, लास्ट से पीछे वाला फंदा, इसे भी हम दो बार बुनेंगे, तो एक फंदा हम इस तरफ भी बढ़ा लेंगे। ये देखिए पूरी रो हमने बना ली, सेकंड लास्ट फंदे को हमने फिर से दो बार बुन लेना है। एक फंदा इस तरफ बढ़ा लिया, फिर लास्ट फंदे को सीधा बुन लिया। अब हम उल्टी सीधी उल्टी 3 सिलाइयां और बना लेंगे। तो 3 सिलाइयां हमारी और बन गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, फिर से हम अपना कलर चेंज करेंगे। अब देखिए जो ये बॉबल हमारा बन रहा है, इसका जो बीच वाला फंदा है, इस बार हमने इनमें से फंदे उठाने हैं। तो ये फंदा हम यहां से उठाएंगे, तो 3 फंदे ये रखेंगे साइड में, यानी इस फंदे के हमने फिर से उसी तरह से नीचे से फंदे उठाने हैं। तो हम ये 2 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 1 2। अब इस फंदे को हमने गिरा के फंदे उठाने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3। और क्योंकि इस फंदे को हमने यहाँ पे बढ़ाया था, तो इसे हम यहीं से पकड़ लेंगे और इस तरह से जैसे उठा रहे थे वैसे उठा लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर ये देखिए इस बॉबल के जो बीच वाला फंदा है, इसे गिराकर उसी तरह से नीचे से उठा लेंगे। फिर
के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो हमने ये पूरी रो में रिपीट करते जाना है। उसके बाद उल्टी सिलाई बुनने के बाद हमने इस कलर का भी एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने हर जो है कलर चेंज करने के बाद सीधी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हर कलर के साथ एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया है। तो अभी हमने ये टोटल 60 रोज 60 सिलाइयां जो है बॉर्डर के बाद बनाई हैं। तो ये हमारे 53 स्टिचेस हैं नीडल पर, 53 फंदे हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने अब फंदे आर्म होल की कटिंग के लिए घटाने हैं, डिक्रीज करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनकर इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनकर पीछे वाले को ऊपर से पास कर देंगे, फिर अगला सीधा बुनकर पीछे वाले को पास कर देंगे। तो ये हमने 3 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। बाकी की रो हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बुननी है। देखिए यहाँ पे ये सेंटर वाला फंदा है, इसे हमने ड्रॉप करना है। तो हम ये 3 फंदे बुनने के बाद इस फंदे को ऐसे उठा लेंगे, उतार कर ऐसे। तो ये हम बाकी की रो जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरी रो को हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टी साइड से हमने फिर से 3 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, 1, 2, 3। फिर बाकी की रो हमने, क्योंकि पैटर्न में भी हम बाकी की रो उल्टी बुनते हैं, तो बाकी की रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बाकी रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, फिर बाकी की सिलाई सीधी बुनकर इस तरफ से फिर से हमने 2 फंदे कास्ट ऑफ करके बाकी की सिलाई उल्टी बुन लेनी है, फिर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से फिर से कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो हम ये पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3, 2, 1 करके हमने फंदे दोनों तरफ से कास्ट ऑफ कर लिए हैं। अब आप चाहें तो सारे फंदे कास्ट ऑफ कर सकते हैं, या आप जैसे आर्म होल कास्ट ऑफ करना पसंद करते हैं वैसे इसे कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों स्लीव्स जो है एक तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से अब हम लेग्स बनाएंगे। ये देखिए ये हमने लेग बनाई है, ये थोड़ी स्लीव से बड़ी बनेगी। यहाँ पे हमने 36 स्टिचेस लिए हैं, स्लीव्स में 34 लिए थे, 34 लिए थे। यहाँ पे हमने 36 फंदे लिए हैं और बॉर्डर के तुरंत बाद हमने पहली सिलाई में जो है 5 फंदे बढ़ा लेने हैं, दूर दूर इस तरह से 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे, 41 हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। उसके बाद जब हम पिंक स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक फंदा, फिर जब व्हाइट लगाएंगे फिर एक एक फंदा दोनों तरफ, फिर पिंक, फिर तो ऐसे एक एक फंदा हर कलर के साथ हम दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने 78 रोज 78 सिलाइयां बुन ली है और हमारे पास 65 फंदे हैं। तो दोनों लेग्स हमने इतनी बना लेनी है, स्लीव्स हमने दोनों बना ली हैं। इतना फ्रेंड्स अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है वो सीखेंगे।